हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब ये सवाल इन्होंने कहा अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए। अब ये 14.7 ये वाली सारणी थी। गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए और एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये जो नंबर दिए हुए हैं ये 100 नंबर में से दिए हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि 100 में से 20 नंबर तक लाने वाले 7 थे, 20 से 30 में 10 थे, 30 से 40 में 10 थे, 40 से 50 में 20 थे, 50 से 60 में 20 थे, 60 से 70 15 थे और 70 से ऊपर 8 बच्चे थे। हमारी प्रायिकता निकालने का तरीका क्या है कि भैया अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो पहला पार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 20% से कम अंक लाने वाले छात्र। छात्र कितने, तो मैंने कहा टोटल कितने छात्र हैं, 7 है टोटल। और ये तो 7 है जो 20% से कम नंबर लाए हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 90। तो यही मेरा आंसर हो गया। दूसरा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 या इससे अधिक, 60 से अधिक अंक लाने वाले छात्र। अब देखो 60 से अधिक क्या हुआ, 15 ये हुए और 8 ये हुए। देखो 60 से अधिक बोला है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, 60 से अधिक में ये भी आएंगे, 70 से ऊपर वाले भी 60 से अधिक हुआ। तो कितने हुए, 15 8 23, तो 23/90 ये हमारा आंसर। टेबल लाई, टेबल में हमने देखा कि क्या पूछा है, तो 20% से कम अंक लाने वाले ये थे और 60 से ऊपर। अब यहाँ पे गलती हो जाती है अगर बच्चा सिर्फ ये वाला ले लेता तो।